और सीधे आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के चिमूर में, इस वक्त प्रधानमंत्री की रैली चल रही है। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। हमने प्याज निर्यात शुल्क को भी कम किया है ताकि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में किसानों का कांग्रेस और अगाड़ी की सरकार ने बहुत नुकसान किया है। आपको याद है अपने शासन में इन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को रोक दिया था। महायुति सरकार ने यह काम फिर से शुरू किया। बीते वर्षों में नीलवंडे बांध और कैनाल के काम पूरे हुए हैं। विशाल घोसी खुर्द प्रोजेक्ट भी अब पूरा होने जा रहा है। साथियों, चंद्रपुर के तो बैम्बू दुनिया भर में मशहूर है। ये हमारी सरकार है जिसने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के पुराने नियमों को बदला, कानूनों को बदला, जिसके लिए आपके लिए बैम्बू की खेती आसान हो जाए। गढ़चिरौली और चंद्रपुर में बांस शिल्पकारों की स्किल ट्रेनिंग पर भी हमारी सरकार जोर दे रही है। साथियों, मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस आप आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। यहां चिमूर चंद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दे, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दे, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़े, आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। कांग्रेस गौंड समाज को राजगौंड से लड़वाना चाहती है, अरक समाज को प्रधान समाज से लड़वाना चाहती है, कांग्रेस पठारी को सरोटी से, हलवा को हलबी से, कोलम को मन्नेर बारलू से लड़वाना चाहती है।